इसके बाद जियो सिनेमा पर आईपीएल फ्री करके करोड़ों यूजर्स को अपने साथ लाने वाले मुकेश अंबानी के एक नए प्लान का खुलासा हुआ है। प्लान ऐसा है जो कि बड़े बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म्स नेटफ्लिक्स डिज्नी और अमेजॉन प्राइम की छुट्टी कर सकता है। क्या ये पूरी खबर जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुकेश अंबानी ने इस बार अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा के जरिए आईपीएल में जोरदार एंट्री मारी है। उन्होंने दर्शकों के लिए इसे फ्री कर दिया है और रिकॉर्ड व्यूअरशिप हासिल कर ली है। बाकी स्पोर्ट्स की बड़ी बड़ी कंपनियां मुंह देखते रह गई। और खबर यह है कि इस प्लेटफॉर्म पर 100 से ज्यादा फिल्म और टीवी सीरियल्स जोड़ने की भी तैयारी की जा रही है ताकि वॉल्ट डिज्नी नेटफ्लिक्स और अमेजॉन जैसे दिग्गजों को सीधी टक्कर दी जा सके। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस की मीडिया और सामग्री व्यवसाय की अध्यक्ष ज्योति देश पांडे ने एक इंटरव्यू में बताया कि जियो सिनेमा के विस्तार के बाद शुल्क भी लेना शुरू कर देगा। हालांकि जियो सिनेमा ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि जियो सिनेमा पर आईपीएल सभी एयरटेल वोडाफोन आइडिया बीएसएनएल और जियो मोबाइल यूजर्स के लिए फ्री रहेगा। मुकेश अंबानी इस प्लेटफॉर्म को ग्लोबल मीडिया और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग दिग्गज बनने की तैयारी में है। इसी को देखते हुए पिछले साल वॉयकॉम 18 मीडिया ने आईपीएल के डिजिटल राइट्स खरीद लिए। इसके बाद अंबानी ने इसे फ्री में दिखाने की पेशकश की। जियो सिनेमा के आईपीएल में रिकॉर्ड की बात करें तो इसने अप्रैल में आईपीएल की शुरुआत में ही 1.47 बिलियन से ज़्यादा वीडियो व्यूज हासिल किए और बीते बुधवार को एक मैच को देखने वाले रिकॉर्ड 22 मिलियन दर्शक थे। सबसे नई बात यह है कि जियो सिनेमा पर आईपीएल को हिंदी मराठी बंगाली गुजराती और भोजपुरी जैसी भाषाओं में स्ट्रीम किया जा रहा है। आपको याद होगा कि जब जियो के एक नए सिम और मोबाइल की शुरुआत हुई तो मुकेश अंबानी ने ये सबके लिए फ्री कर दिया था और ऐसा करके करोड़ों ग्राहकों को अपनी ओर खींच लिया। अभी जियो सबसे ज्यादा ग्राहकों के साथ देश की नंबर वन टेलीकॉम कंपनी बन गई है। पहले सेवा फ्री करके करोड़ों ग्राहकों को जोड़ लिया और उसके बाद सबसे दूसरी कंपनियों की तरह पैसा वसूलना शुरू कर दिया। अब इसी तरह जियो सिनेमा को भी आईपीएल के दर्शकों के लिए फ्री रखा गया है। आने वाले दिनों में इसके लिए भी रिचार्ज प्लान शुरू हो जाएगा। इसके बाद हम जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मूवी सीरियल्स की बात कर रहे हैं वो भी इसी तरह शुरू में मुफ्त दिए जा सके हैं ताकि दूसरे बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के दर्शक जियो से जुड़ जाएं। बाद में उनसे भी शुल्क वसूलने का बिजनेस प्लान हो सकता है। अंबानी की यही बिजनेस स्ट्रैटेजी पिछले दिनों कैंपाकोला के रेट सस्ते करने में भी देखने को मिली थी। देखना होगा आने वाले दिनों में इस पर क्या नया अपडेट आता है। आपको हमारी जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।